यमलोक में भूत। एक बार चिंटू के शरीर में एक आत्मा घर कर गई। जब घर पर आकर चिंटू अजीबोगरीब हरकतें करने लगा तो उसके पिता विराट ने पूछा, चिंटू ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो कभी भी ऐसी ऊटपटांग हरकतें नहीं करते थे, पहले तो तुम्हें कभी गुस्सा तक ना आता था। मैं चिंटू नहीं, प्रवीण हूँ। प्रवीण, मैं जामुन के पेड़ पर रहता हूँ। इसने मेरे पेड़ के जामुन तोड़कर खाए हैं, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। कौन प्रवीण? कहाँ के प्रवीण? देखो, मुझे तो तुम मेरे चिंटू जैसे नजर आ रहे हो। चिंटू, क्या शरारते हैं, बहुत नटखट हो गए हो तुम। अंकल, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, मैं चिंटू नहीं, प्रवीण हूँ। प्रवीण, मैंने बचपन में स्कूल से आते समय रास्ते में एक बगीचा देखा था और उस बगीचे में जामुन के पेड़ पर काले काले बड़े जामुन लटके हुए थे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी तो मैं जामुन तोड़ने के लिए जैसे ही जामुन के पेड़ पर चढ़ा कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और उस ऊंची डाली से नीचे गिरकर वहीं मैं मर गया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई और मैं तब से उसी जामुन के पेड़ पर रहने लगा। ठीक है बेटा, जो भी कोई हो तुम, मेरे लिए तो जैसे चिंटू वैसे तुम हो। ठीक है अंकल, मगर मेरी एक बात जरूर सुन लीजिएगा। मैं आपके चिंटू के बारे में सब कुछ जानता हूँ अंकल। सब कुछ मतलब? यही कि चिंटू की आयु बहुत कम है, आपका चिंटू सिर्फ 4 दिन और जिएगा। इसके बाद जैसे ही वो मरेगा उसके साथ मैं भी यमलोक चला जाऊंगा। क्या क्या बक रहे हो तुम? उसकी मृत्यु अभी नहीं हो सकती, वो अभी बच्चा है। मुझे तो लगता है तुम ही इसे मारना चाहते हो, क्यों झूठ बोलते हो इतना? ओहो अंकल, आप तो नाराज हो गए। अगर मैं इसे मारना चाहता तो बहुत पहले जामुन के पेड़ पर ही मार देता। मगर अंकल, मेरे मन में तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं यमराज जी से मिलूं। तभी तो मैंने आपके चिंटू के शरीर में प्रवेश किया है। क्या मेरे चिंटू को बचाने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? उपाय तो कोई भी नहीं अंकल, विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। प्रवीण की बातें जैसे विराट के दिल पर तीरों की तरह लग रही थी और जैसा उसने कहा था हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक 4 दिन के बाद चिंटू रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसके घर में चीख पुकार का माहौल भर गया। विराट का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया और कुछ ही देर में यमराज के दूत भी चिंटू की आत्मा को लेने धरती पर आ गए। जब यमराज जी के सैनिक चिंटू की आत्मा को ले जाकर यमलोक पहुंचाने लगे तो साथ में प्रवीण की आत्मा भी चल दी, क्योंकि वो तो सबसे पहले उत्सुक था यमराज जी से मिलने के लिए। जैसे ही चिंटू और प्रवीण की आत्माएं यमलोक पहुंची, चिंटू तुम्हारा जीवन काल अब समाप्त हो चुका है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए तैयार होना तुम। गलत कर्म हमने नहीं, तुम और तुम्हारे सैनिकों ने किए हैं। चिंटू के तो मरने का वक्त था, मगर मेरे मरने का वक्त तो नहीं था। मैं तो बस जामुन खाने चढ़ा था उस पेड़ पर, फिर मैं क्यों मारा गया बताओ? और मेरी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिली तब से? देखो यमराज जी, अब हम धरती के भूत बन गए हैं, हमसे पंगा मत लेना, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। तो फिर तुम चाहते क्या हो? तो क्या तुम्हें पता नहीं ये धरती नहीं यमलोक है? यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को नरक में डाला जाता है
और अच्छी आत्माओं को स्वर्ग में डाला जाता है। जानता हूँ, और तुमने खुद क्या किया वो भी तो बोलो। कितने बेकसूर जीवों को अनजाने में ही मौत के घाट उतार दिया गया, उसके लिए क्या तुम्हें दंड नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए अब तुम्हारे नर्क में जाने की बारी है। और इतना कहते ही वो प्रवीण की आत्मा यमराज जी के शरीर में प्रवेश कर गई। यमलोक के सैनिकों को लेकर अब वो यमलोक का निरीक्षण करने के लिए गई। कुछ ही दूर जाने पर उसे बहुत सारे दीपक दिखाई दिए जिनका तेल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दीपकों की उस कतार में कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह से प्रज्वलित थे और कुछ ऐसे भी जो बुझने को थे। ये कैसे दीपक है? इन दीपकों के जलने और बुझने का अर्थ क्या है, मुझे विस्तार से बताया जाए। यमराज जी, आप तो सब जानते पूछते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ओहो, मैं यमराज नहीं हूँ, भूत हूँ, भूत, प्रवीण का भूत। यमराज के तो शरीर में प्रवेश किया है मैंने। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर नहीं सुनोगे तो यमराज को लेकर आग में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हारा यमराज भी जल के मर जाएगा। अब ज्यादा देर मत करो, मेरे सवालों का जवाब दो। जी जी महाराज, देखिए ये जो सारे दीपक हैं, ये आयु के प्रतीक हैं। जिस दीपक में तेल है समझो उसकी आयु अभी शेष है। जो नए दीपक हैं उतने लोग धरती पे जन्म ले रहे हैं, और जिन दीपकों में तेल खत्म है या जिनकी रोशनी जाने वाली है समझो वो मौत के निकट है। समझ गया। अब तुम लोग एक काम करो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी दीपक बुझे। सारे दीपकों में तेल डालते रहो और नियमित रूप से दीपकों की पहरेदारी भी करो। जिस तरह से मैं अचानक के पेड़ से गिरने से मर गया, मैं नहीं चाहता कि धरती पर कोई भी जीव यूं अकस्मात मौत मरे, समझे? इससे तुम्हें भी फायदा होगा कि तुम लोगों को किसी के प्राण लेने के लिए मृत्यु लोक में नहीं जाना पड़ेगा। जी जी महाराज। ऐसा कहकर सैनिकों ने दियों में तेल डाला और उनकी निगरानी करने लगे। अब धरती के सभी प्राणी धीरे धीरे अमर होने लगे थे, मगर इस बात से इंद्रदेव को बड़ी तकलीफ हो रही थी। उन्हें शिवजी को भी तो जवाब देना था लोगों के जन्म और मृत्यु के बारे में। वो फौरन प्रवीण की आत्मा के पास पहुंचे। देखिए, आप यमराज जी को छोड़ दीजिए। मैं यमराज जी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? यही कि इन दीपकों में से मेरा और चिंटू का जो दीपक है वो कभी भी नहीं बुझना चाहिए, उसमें हमेशा तेल रहना चाहिए। बोलिए, क्या आपको हमारी ये शर्त मंजूर है? हाँ, शर्त मंजूर है। अब तो यमराज जी को छोड़ दीजिए। तो लो फिर, छोड़ दिया हमने यमराज को। और इस तरह से अपने सामने प्रवीण की आत्मा ने खुद को और चिंटू को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाई, और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।